नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आज हम भोजन में रूप सुंदरी बनाने वाले हैं और साथ में उसकी फैमिली में चार और चीज आएगी। इसमें पहली लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, दूसरी स्पेशल आलू की सब्जी, तीसरी मसाला छाछ और चौथी फ्राइड सूखी मसाला मिर्च है। नमस्कार मित्रों, स्वाद संहिता में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबको नए बरस की बधाई हो। दीपावली के दिनों में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर मिडनाइट को हमारी चैनल हैक हो गई थी, जो आप सबकी दुआओं से यूट्यूब और गूगल के साथ सतत फॉलोअप करने के बाद 6 नवंबर को रिकवर हो गई। आज से हम हिंदी में वॉइस ओवर करेंगे। अगर हमारा कोई शब्द और वाक्य रचना गलत है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, जिससे हमको हमारा हिंदी इम्प्रूव करने का चांस मिले। आलू की सब्जी के लिए आलू की इस तरह पतली पतली चिप्स काटनी है। ठंडी हवाएं चल रही है तो धूप में भी वातावरण खुशनुमा है। आज पिताजी और माताजी भी खेत आए हैं। तूर सिंह की सीजन शुरू हो गई है। सब अपने अपने काम में व्यस्त है। तड़का लगाने से पहले हम सूखी मसाला मिर्ची फ्राई कर लेंगे। आप ड्राई मसाला मिर्ची बनाने की रीत जानना चाहते हो तो कमेंट में बताना, हम इसके लिए एक वीडियो जरूर से बनाएंगे। मसाला मिर्ची खाने में बहुत टेस्टी होती है। वही ऑयल में सब्जी का तड़का लगाएंगे। सबसे पहले राई डालेंगे। राई चटक जाए बाद में जीरा डालें। हींग, हल्दी पाउडर डालें और आलू ऐड करें। मिट्टी के बर्तन और चूल्हे पे बनाया हुआ भोजन बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में यूनिफॉर्म हीट मिलती है। अच्छे स्वाद के लिए मूंगफली का तेल या तिल तेल का उपयोग करें। साथ साथ रूप सुंदरी के लिए पानी को बॉईल करने के लिए रख दे। रूप सुंदरी में ब्रोकन राइस यूज करते हैं, जिसको हम गुजराती में कनकी बोलते हैं। उसको अच्छी तरह पानी से वॉश कर ले। सब्जी को थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहना है। कॉटन क्या होता है और उसका प्लांट कैसा होता है, वो आजकल के बच्चों ने शायद देखा नहीं होगा। पानी उबल गया है, अब हम उसमें ब्रोकन राइस ऐड करते हैं और
स्वाद अनुसार नमक डाल दे। आलू थोड़े पक जाए तब स्वाद अनुसार नमक डालें। हल्दी थोड़ी कम लगती है तो थोड़ी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। जब आलू पूरे पक जाए तब लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर और थोड़ी शुगर डालें। शुगर ऑप्शनल है। हमारी सब्जी तैयार हो गई है। रूप सुंदरी में पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी होती है तो बाद में आप ज़रूरत पड़ने पर और पानी ऐड कर सकते हो। वो सेमी लिक्विड जैसे बननी चाहिए। ये लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी के बिना रूप सुंदरी का श्रृंगार अधूरा रहता है। यह है फ्रेश कड़ी पत्ते जिससे हम छाछ का तड़का लगाएंगे। मसाला छाछ के लिए हम घी में जीरा और कड़ी पत्ता का तड़का लगाएंगे। अब ये तड़का छाछ में मिक्स कर लेंगे। छाछ को उबालना नहीं है, इसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी डालें। चटनी में हमने नमक डाला है, इसमें छाछ मसाला या चाट मसाला डालें। आधे घंटे में सूर्यास्त हो जाएगा। मैं थोड़े नींबू तोड़ने के लिए जा रहा हूँ। जल्द से जल्द हमको भोजन लेकर सामान पैकअप कर लेना होगा क्योंकि यहाँ रात को रोशनी नहीं होती है और रात को खेत में रोशनी करके हम प्रकृति को डिस्टर्ब करना नहीं चाहेंगे। सूर्यास्त का ऐसा नज़ारा सिर्फ गाँव में ही दिखाई देता है। अब हमारा भोजन तैयार हो गया है। हम प्लेट तैयार करते हैं। ये है हमारी आलू की सब्जी, थोड़ा धनिया से गार्निश करेंगे। ये है सुंदरी, इसमें घी और लहसुन मिर्च की चटनी डालेंगे तो ये हो जाएगी रूप सुंदरी। और ये है हमारी फ्राइड मसाला मिर्च और मसाला छाछ। और पापड़ के बिना गुजराती खाना पूरा ही नहीं होता है। दोस्तों, हमारे सभी वीडियो एक से बढ़कर एक हैं। आप सभी वीडियो वॉच करना और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।